किसान भाइयों राम राम, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल मैं हो। हम इस समय है मसैनी भूसा मंडी फरुखाबाद। आप देख सकते हैं इस तरह की से यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आज है 7 मई 2023 दिन रविवार। तो किसान साथियों, ये अब मंडी जो है रोज लगती है, प्रतिदिन लगती है, किसी दिन की भी कोई भी छुट्टी यहाँ पे नहीं रहती है। हाँ, होली दीपावली पे यहाँ पे मंडी बंद रहेगी फिलहाल, लेकिन बाकी दिन सभी दिन खुलती है ये मंडी। भाई आप देख सकते हैं ये पिकअप लगी हुई है, सारी पिकअप हैं इधर, और इधर हैं ट्रैक्टर ट्राली वाली गाड़ियाँ। ये देखो भाई, ट्रैक्टर ट्राली की गाड़ियाँ लगी हैं इधर, और यहाँ पे भूसा जो है गेहूँ का भूसा आता है, सिर्फ और सिर्फ गेहूँ का भूसा, बाकी किसी फसल का भूसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप लोग भूसा ले के आओ क्या? और क्या। अच्छा अच्छा, कहाँ से आओ आप? अल्लाहगंज से, इधर उल्लापुर। अच्छा, मतलब हरदोई क्षेत्र से ज़्यादा आता भूसा क्षेत्र है इधर, हरदोई और शाहजहाँपुर क्षेत्र से ज़्यादा आता भूसा। हाँ, हरदोई से। कौन सा मेटर पिकअप लाया क्या? ट्रैक्टर ट्राली लाया? ट्रैक्टर भी है, पिकअप भी है। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर ट्राली में कितना भूसा आ जाता है? आ जाता 30, 35, 40, 50, मतलब जैसा भर पाओ। हाँ, जैसी लोडिंग हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाता है? 80 तक आ जाता है। 80 क्विंटल डबल चक्का में आ, बड़ी ट्राली होगी तो आ जाएगा बेटा। आप वो भी डबल चक्का हो उसके अंदर, तब सिंगल में नहीं आ पाएगा। डबल में भी 60 से ऊपर नहीं आ पाएगा। डबल में भी 80 नहीं आएगी। 80 में तो बहुत ऊपर चली जाएगी गाड़ी, बहुत ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी उसकी, है निकलने आने जाने में निकलने में परेशानी हो सकती है उसमें। और इस पिकअप में कितना आ जाता है? पिकअप में 22 क्विंटल 20-22 क्विंटल। तो आज का और रैपर वाला भूसा आ रहा है इधर। अच्छा अच्छा, ये आप लेके आए रैपर आए आज? हम तो लेने आए हैं। अच्छा, आप लेने आए हो रैपर वाले? अच्छा अच्छा, आप खरीदार हो? खरीदार ले आएंगे। ये है छोटा हाथी। क्या है भैया छोटा हाथी? देखो भाई कौन सा माल है, कैसा माल है। देखो भाई, चेक करो भाई कैसा माल है। किसक है? किसक दबा रही है यहाँ, हर किसी माल में किसक आ रही है। ऐसा माल ही नहीं है जिनमें किसक ना हो। मौसम का माल है ये। थ्रेसर वाला है भूसा? थ्रेसर है, थ्रेसर है, थ्रेसर है ये तो। देख क्या, देखो थ्रेसर ही है। क्यों ये हमारे मंजीत भाई? देखिए भाई, सौदा हर तरफ होती है, और यहाँ पे जो है कई कमीशन एजेंट हैं जो कि यहाँ पे व्यापारी और ग्राहक किसान से सौदा कराते हैं। देखो भाई, देख इधर सौदा हो रही है। देखो ये हो रही है सौदा इधर अभी। कोई बैठौरी इलाका थोड़ा ही ना, समझ ले तो बैठो ना, तो कोई बात नहीं। सवा 8 की भेजते हैं? नहीं भाई, हम 20 की भेजते हैं? नहीं नहीं, 15 की भेजते हैं? ले अभी आना पकड़ो बस, या खीरी मंजी ले, 10 की भेज दे, चलो 15 की भेजिए, 15 की जो हमने आपसे कही थी, 15 की भेजिए, चलो पटवो। देखो 815 रुपया। अरे क्या भाव बिका, क्या रेट बिका भूसा तुम्हारा? बता दो भाई क्या रेट बिका भूसा? भूसा क्या रेट लिया? क्या रेट ले लिया भूसा? भूसा क्या रेट ले लिया? 815 रुपया क्विंटल लिया। कौन सा थ्रेसर? रैपर? थ्रेसर है, थ्रेसर है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ भूसा भाई, 100 मीटर ये है भाई, गेहूं का भूसा है भाई। ये 5 रुपया बताओ, 10 दिन 5 रुपया
अकेले नहीं, थोड़ी बहुत गिड़गिड़ाहट है इसके अंदर फिलहाल। अकेले कैसे तुम काम दे रहे हो, तुम तो इधर जो है ये लेबर भी मिल जाती है, जो व्यापारी जो है यहाँ पे गेहूं का भूसा खरीदता है, ये लेबर की उनकी बातचीत हो रही है यहाँ पे, किस तरीके से लेबर कितने रुपए लेगी वो तय कर लिया जाता है यहाँ पे। ये देखिए भाई एक सौदा इधर कर रहे हैं भाई, भूसा की लेते हैं कुछ जानकारी इधर। जाओ 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 जाओ, कोई दे तो अब बताओ चलो गाड़ी के चली जाओ, चलो बढ़ावा 1000 नहीं मेरे तीर यही है भाई, मैदान जा गाड़ी देखो हर साल बुला रहे हैं, नहीं छोड़ी बात नहीं करते, डीजल काट रहा है आज पैसा हमारे पास नहीं है, कैप्टन डीजल देखते हैं भाई भूसा कैसा है भाई। पहले मैं आपको दिखाता हूँ किधर है भूसा, आप तलाब में ले जाए किधर है, मेरी बात सुनो जाओ इस तरह मुंह है भाई, ऐसी निकल लिया क्या पैदा तुम्हारो गायन जब भाई पैदा ये है देखो भाई ये है भूसा भाई, एक नंबर भूसा है, नंबर एक भाई नंबर एक भूसा है, किस रेट बिका ये किस रेट बिका तुमने दिया सवेरे रेट दिया 750 सुबह क्या रेट दिया तुमने भूसा ये 750 रुपए जी। अच्छा अच्छा थ्रेसर वाला है ना जी जी जी। अच्छा 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 ये ट्राली है, इस ट्राली के अंदर कितना भूसा होगा? 28 से 30 क्विंटल। अच्छा तो ये बिका 700 क्या बताया 725 रुपए और ऊपर में भी तो बिक रहा है भूसा 8 से 8.5। अच्छा 8 से 8.5 सही है, बिका 725। ये कहाँ पे जाएगा ये लोकल में याकूतगंज जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर दूर यहाँ से करीब। भाड़ा अलग है क्या इसमें? इसमें भाड़ा अलग है क्या? नहीं हाँ इसी में भाड़ा भी इसी में है। अच्छा चलो ना। देखिए किसान साथियों मैं आपको एक बात बता दूं किसान भाइयों, देखिए ये ट्राली यहाँ पे लगी हुई है और इसमें लगी है एक सिड्डी, तो आपको सिड्डी ज़रूर लेके आनी है अपनी ट्राली के साथ में, ताकि ये भूसा जो है बराबर से उतर सके भाई, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये सिड्डी आपको साथ में लेके आनी है अगर आपको यहाँ पे भूसा बेचना है तो आप अपनी ट्राली में सिड्डी ज़रूर लगा के लेकर आएँ, ताकि जो लेबर जो लगेगी इस पर वो सही से उतार सके, उसको आसानी हो सके और भूसा जो है जल्दी उतर सके। साथियों आइए मिलते हैं जगदीश ठाकुर जी से, ये यहाँ के कमीशन एजेंट भैया। राम राम भैया। राम राम। और सब कुशल मंगल? कैसी गाड़ी आई आज, कितनी आमदनी है? हमारे राम निवास भैया जी हैं, ये रामवीर हैं, इनका माल आया है, इनकी 3 गाड़ी थी, इनकी 2 गाड़ी। अच्छा अच्छा। इनकी 2 गाड़ी 650 में बिके, इनकी 1 बिकी 700 में, 1 बिकी 650 में। अच्छा खड़ी है वो निवल गाड़ी है, 1 गाड़ी बिकी नहीं है फिलहाल अभी है। क्या आज किस तरीके से बिक रहा है भूसा? आज 700 रुपए निकल जाने दे सर। भूसा 700 रुपए से 600 रुपए तक बिक रहा है कल, अभी हफ्ते भर से यही रेट चल रहा है या ऊपर नीचे कुछ हुआ? अभी बारिश पहले कुछ ऊपर चल रहा था, बारिश अब तो मौसम साफ है बिल्कुल साफ है। अच्छा जी जी जी, तो इस समय जो है भूसा की क्वालिटी कैसी आ रही है इस समय? कलर गिर गया भूसा की। अच्छा कलर भूसे में नहीं है, थोड़ी मिट्टी आ रही है, किरकिराहट सी है कि थोड़ी भूसे के अंदर किसी टाइप से बैठ रही है। अच्छा यहाँ पे जो खरीदार होता है उसको कितना कमीशन देना होता है क्विंटल पे? 15 रुपए क्विंटल। और उसको कुछ भूसा बढ़ती मिल जाता है क्विंटल पे? 2.5 किलो भूसा बढ़ती मिल जाता है। अच्छा अच्छा, ये सौदा जो होती है ये कांटे से ही होती है, धर्म कांटे से ही मिलती है? धर्म कांटे से ही होती है क्या? ऐसे अंदाजे से नहीं होती है, मान लिया इतना हो गया, इतना क्विंटल है, इतना? अच्छा, अगर कोई किसान बहुत दूर का लेके आता है तो उसे पहले कांटा कराना होगा, उसके बाद जो है? नहीं, पहले उसकी बिक्री होगी, सौदा होगा, कांटा होगा, पहले सौदा हो जाएगा उसके बाद कांटा होगा कि कितना भूसा इसके अंदर है, मन गाड़ी के अंदर है।
मतलब बिल्कुल पक्का काम होता है, बिल्कुल 100%। सौदा भी सामने होती है, वो तो मैं दिखाते ही रहता हूँ। अच्छा, ये पेमेंट जो है, पेमेंट कितने दिन बाद कितने कैसे मिलता है? तुरंत मिल जाता है बिल्कुल, मतलब माल उतार के आओ मंडी में और पेमेंट ले लो सीधा सीधा, मतलब दूसरे दिन की कोई कहानी नहीं है इसमें। जैसे आलू में मैं अपडेट देता रहता हूँ, आलू में तो किसान को तो 15-15 दिन बाद पैसा मिलता है, तुरंत पेमेंट मिल जाता है। कैश होता है या चेक द्वारा करते हैं? कैश होता है, फोन पे भी होता है, लेकिन ज्यादातर कैश होता है। जैसा किसान चाहे वैसा ले सकता है? अच्छा, जैसे खरीदार चाहे वैसा वो पेमेंट कर सकता है, फोन पे भी करता है, चेक भी देते हैं। जी, ज्यादातर कैश दे देते हैं। अच्छा, इधर भी कुछ लोग इधर हैं। आप लोग भूसा लेने आए हो या बेचने आए हो? इधर बेचने आए हो? कौन सा भूसा लेके आए, थ्रेसर वाला या रैपर वाला? रैपर वाला लाए हो? अभी बिक गई गाड़ी या नहीं? अभी नहीं। किधर लगी गाड़ी, दिखाएंगे आप? ये ट्राली में? अच्छा, देखते हैं भाई। ये कहाँ से हो आप? पट्टी भरका जिला ये है। किधर था निकालने का इसका? इधर ही से है। ये है रैपर का है? ये रैपर का है। लेकिन भूसा भाई बढ़िया है भाई। इसके अंदर किरकिराट नहीं है? इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं, 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 इसके अंदर किरकिराट नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना माल होगा इस ट्राली में अभी? होगा 25 क्विंटल। 25 क्विंटल? अच्छा, आपका बिक गया? अब रैपर वाला भूसा लाए थे ना आप? क्या रेट बिका भूसा? 750 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा, कहाँ जा रहा भूसा आपका? ये किस गांव? अमाठी। अमाठी, यही पास में ही, पड़ोस में ही, अमाठी में।